सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे की बात करें तो यहाँ हम आपको दो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जो आपकी सोयाबीन की फसल में शुरुआती अवस्था पर कीटों को भी नियंत्रित करेगा और फंगस को भी कंट्रोल करेगा। साथ ही अगर आपकी फसल कमजोर है तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस समय फसल की अवस्था के अनुसार हमें कौन सा टॉनिक या न्यूट्रिशन उपयोग करना है और इन कॉम्बिनेशन को आप बिना किसी संदेह उपयोग कर सकते हैं। सारे कीटनाशक, फंगिसाइड, टॉनिक की प्राइस, इनके डोज के बारे में जानकारी मिलने वाली है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पहले कॉम्बिनेशन में पहला प्रोडक्ट लेना है सोलोमन। यह बायर कंपनी का आता है जिसके अंदर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो बीटा साइल्यूथ्रिन 8.49 और इमिडा क्लोप्रिड 19.81% ओडी फार्मुलेशन में दिया गया है जो सोयाबीन फसल में तना मक्खी, रिंग कटर, स्टेम फ्लाई, बारीक इल्ली पर काम करता है जिसके स्प्रे करने के बाद सोयाबीन फसल में 12 से 15 दिन तक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो कंपनी का डोज है 80 ml प्रति एकड़ और कृषि विशेषज्ञ के अनुसार भी 80 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है, लेकिन दुकानदार और किसान अपनी मर्जी से इसे 150 ml प्रति एकड़ इसका उपयोग करते हैं। कीमत की बात करें तो इसका 1 लीटर का पैक आपको 2000 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको इल्ली का अटैक ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप सोलोमन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट 5% भी मिला सकते हैं 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ जो आपको मार्केट में 1300 से लगा करके 1500 रुपए प्रति किलो मिल जाएगा। ये तो बात हो गई इंसेक्टिसाइड की, अब यहां हमें शुरुआती अवस्था में कौन सा फंगिसाइड लेना है। बहुत सारे किसान भाई यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फंगिसाइड डालें, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरुआती अवस्था में हेक्साकोनाजोल 5% अपनी फसल में डाल सकते हैं जिसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। हेक्साकोनाजोल आपको 300 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है जो आपको मार्केट में 350 से लगा करके 400 रुपए में मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है टॉनिक की कि किस प्रकार का टॉनिक हम उपयोग करें, तो यह भी आपकी फसल की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी फसल की हाइट कमजोर हो तो आप सिजेंटा का इसाबियन 300 ml प्रति एकड़ की दर से उपयोग कीजिए। अगर हाइट ठीक है पर फैलाव कम है तो आप फेंटेक प्लस यानी कि परिटोनिक का उपयोग 100 ml प्रति एकड़ की दर से करें जो आपकी फसल में फैलाव दे देगा। इसाबियन की कीमत की बात करें तो यह आपको मार्केट में 900 से 950 रुपए में 1 लीटर मिल जाएगा और फेंटेक परी की बात करें तो यह आपको मार्केट में 2000 रुपए प्रति लीटर में मिल जाएगा। अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो दूसरे कॉम्बिनेशन में पहले प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला कीटनाशक है थायमेथोक्साम प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन। यह कई सारी कंपनी का आता है, यहाँ पर हम उदाहरण के लिए अली का ले लेते हैं। यह सोयाबीन में होने वाली तना मक्खी, रिंग कटर, स्टेम फ्लाई, बारीक हरी इल्ली और रस चूसक कीटों पर काम करता है। इसके उपयोग के 8 से 10 दिन तक दूसरा अटैक नहीं आता है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो कंपनी का डोज इसका 50 ml प्रति एकड़ का है, लेकिन दुकानदार और किसान अपनी मर्जी से 100 ml प्रति एकड़ इसका उपयोग करते हैं। कीमत की बात करें तो इसका 1 लीटर का पैक आपको मार्केट में 1300 से लगा करके 2000 रुपए तक मिल जाएगा, लेकिन आप ओरिजिनल अलीका लेंगे तो यह आपको मार्केट में 2000 रुपए में मिलेगा। अलीका के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। डोज आपको वही रखना है 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। फंगिसाइड की अगर हम बात करें तो आप हेक्साकोनाजोल 5% ले सकते हैं या आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर भी ले सकते हैं जो आपको मार्केट में स्वाधीन, जिद्दी, हारू और भी कई नाम से मिल जाएगा। इसके डोज की अगर हम बात करें तो 300 ग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है जो आपको मार्केट में 550 से 600 रुपए किलो तक मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम टॉनिक की बात करें तो फसल की स्थिति के अनुसार आप पहले डोज वाले टॉनिक डाल सकते हैं। अगर आपकी फसल की हाइट भी सही है और फैलाव भी सही है तो आप टॉनिक हटा भी सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आपको सिलिकॉन चिपको का उपयोग जरूर करना है ताकि दवाई का रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। और जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें।